अब नहा धोकर निकलना है तो गंदे पानी से गुजरना पड़ रहा है। गाड़ी आती है गुजर के सामने से तो पूरा पानी गंदा जो सिर में चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम स्कूल नहीं पहुंच पाते क्योंकि पूरा पानी भर जाता है इधर। समस्या ये वाली आती है कि हम इसे कहने के लिए जा रहे हैं तो ये सुनने को तैयार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं रामनगर से राजीव अग्रवाल। आज हम बातचीत करेंगे रामनगर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 9 ईदगाह वाले इलाके में, जहाँ इस वार्ड के समीप स्थित रोडवेज का स्टेशन है, जहाँ इस समय निर्माण कार्य चल रहा है और सरकार ने रामनगर के रोडवेज स्टेशन को बस पोर्ट और आधुनिक बनाने की बात कही है। तो वहीं बस पोर्ट के नाम पर यहाँ रहने वाले लोगों ने रोडवेज प्रशासन और सरकार के खिलाफ ही, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी रोष व्यक्त किया है। लोगों का कहना है कि रोडवेज में निर्माण कार्य तो चल रहा है लेकिन बरसात के पानी की निकासी नहीं दी गई है। जो बरसात का पानी सड़कों पर आ रहा है उससे इलाके के यहाँ रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम बातचीत करेंगे यहाँ पर रहने वाले लोगों को कि इस पानी से किस प्रकार की दिक्कतें हैं और सरकार से उनकी क्या अपेक्षा है। आपका स्वागत है कि यहाँ पर जो रोडवेज का बस स्टेशन बन रहा है और पानी जो है बरसातों में सड़कों पर आ रहा है तो किस प्रकार की परेशानी हो रही है? ये सर हमारे लिए दिक्कत आ रही है, गंदा पानी भी निकल लिया है और सड़क पार करने में पानी एकदम भर जा रहा है, आने जाने में हमको दिक्कत हो रही है, गंदगी बहुत हो रही है। हम नहा धोकर निकल रहे हैं तो हमको गंदे पानी से गुजरना पड़ रहा है। तो हम और भी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे। काफ़ी बुजुर्ग हैं कि आप दुकान भी चलाते हैं यहाँ पर, किस प्रकार की आपको दिक्कत है? हमको बहुत दिक्कत है और जो सुबह को जो पानी आता है वो भी सब उसमें बहता हुआ चला जाता है। बरसात का पानी तो अलग रहा, सुबह का पानी भी बहुत जाता है और हम चप्पल पहन के जाते हैं तो पीछे हमारे पैजामे और पैंट सब खराब हो जाती हैं। पहले तो कभी ये पानी नहीं आया, हमने रोडवेज में इतने दिन काम करा, सब कुछ करा, पहले हम रोडवेज का पानी रोडवेज में जाता था, अब वो सड़कों में आ गया, ये क्या बात हुई? ये रोडवेज अपना इंतजाम क्यों नहीं करते हैं, अपने अंदर क्यों नहीं लेते हैं पानी? बट तो आपका कहना है कि रोडवेज ने निर्माण कार्य तो किया लेकिन पानी की निकासी नहीं करी। हमारे साथ यहाँ पर रहने वाली महिलाएं भी आपसे पूछेंगे कि किस प्रकार की यहाँ दिक्कत हो रही है। आते आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, पानी गंदा है, आते जाते सिर पे जाता है, सीधा पैरों से लेकर सिर पे जाता है। गाड़ी आती है गुजर के सामने से तो पूरा पानी गंदा जो सिर पे चला जाता है। तो आपका भी कहना है कि पानी से दिक्कत है? स्कूली बच्चे भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कि बच्चों को भी खास तौर से स्कूल जाने में जो है काफ़ी परेशानियों का यहाँ सामना करना पड़ता है कि बच्चे किस प्रकार से यहाँ गुजर रहे हैं और किस प्रकार की दिक्कत है इनको हो रही है। बेटा आप यहाँ से स्कूल जाती हैं, बरसात का पानी रोडवेज से आ रहा है तो किस प्रकार की परेशानी हो रही है? स्कूल कई बार ऐसा होता है कि हम स्कूल नहीं पहुँच पाते क्योंकि पूरा पानी भर जाता है इधर, जाने में बहुत मुश्किलें होती है और यहाँ बहुत गंदगी है, सड़कें टूटी है इधर पूरे एरिया में, तो काफ़ी तकलीफ होती है स्कूल जाने में। फिर अगले दिन फिर काम वगैरह भी होता है, काफ़ी चीज़ें हमारी पेंडिंग रह जाती है उस चक्कर में। सर हम मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं तो यहाँ, जब हम यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पर पानी आता है, इस चक्कर में हमारे कपड़े बेकार हो जाते हैं, हम नहा धो के निकलते हैं और जो हमारे सफ़ेद जूतों में गंदे हो जाते हैं। ये यहाँ से पानी निकलना मतलब हमको बहुत लंबा घूम के जाना पड़ता है, हमको वरना यहाँ से हमारा पहले शॉर्ट पड़ता था तो हमको अब घर से पहले निकलना पड़ता है, कभी कभी खाना नहीं खा पाते घर पे। स्कूल भी इस बरसाती पानी के ज़्यादा आने के कारण सड़क पर जो है स्कूल भी मिस हो रहा है और बच्चों को जो है समय पर जो है खाना भी नहीं खा पाते हैं जल्दी के चक्कर में, लेकिन लंबे रूट से बच्चों को स्कूल पहुंचना पड़ता है। और भी हमारे साथ मौजूद है महिलाएं, हम बातचीत करेंगे कि जो रोडवेज का ये पानी सड़कों में आ रहा है किस प्रकार की दिक्कत हो रही है? सर बहुत प्रकार की दिक्कत हो रही है, इतनी गंदगी फैला रखी है कि बस कोई पूछो मत, बच्चों को ले जाने में परेशानी होती है, सारे कपड़े वगैरह भी खराब हो जाते हैं, बहुत सारा पानी पीछे से सारा बस अड्डे का यहाँ सड़क पर आता है। तो आपने कहा कि बरसाती पानी के साथ ही सड़कों पर गंदगी भी फैल जाती है और सड़क भी काफ़ी जो है क्षतिग्रस्त स्थिति में है, जिस कारण यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल हो गया। हमारे साथ मौजूद है इस क्षेत्र के पूर्व सभासद, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि इसको लेकर उनके स्तर से क्या तैयारियाँ की गई हैं, किस प्रकार उन्होंने रोडवेज के अधिकारियों को अवगत कराया है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का क्या रुख है। और वर्तमान में आपकी पत्नी भी इस इलाके से सभासद हैं कि किस प्रकार का आपके इलाके में रोडवेज स्टेशन का निर्माण हो रहा है और बरसाती पानी को लेकर बहुत दिक्कतें यहाँ लोगों को हैं, आपका क्या कहना है? देखिए दिक्कत तो अभी आपने देखा होगा, जब ये पब्लिक जो आ रही है इन्होंने समस्या अपनी बताई आपको, सारी समस्या। अब परेशानी इस बात को लेके है कि ये बस अड्डा जो बनाया गया तो उस समय इन्होंने बताया था कि इसका जो भरान करके सारा पानी जो मेन रोड का नाला, बड़ा नाला आ रहा है उसमें डाला जाएगा, लेकिन पता नहीं इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसमें इन्होंने घपला करा है या घोटाला करा है, और मुझे लगता है कि इन्होंने भरान के नाम पर घोटाला करा है। इन्होंने पानी की निकासी बिल्कुल उल्टी कर दी है, यानी कि पानी का ढाल पूरा इस तरफ लेके एक अपने एक कोने में इकट्ठा कर दिया और भट्टा करके इन्होंने वो पानी जो है 8 फीट की सड़क जो हमारे को रास्ते के लिए मिली थी उसमें कर दिया है। अब कल की बात ही, बारिश के बावजूद भी कम से कम 6 इंची मोटा पानी भर के चल रहा था, लोग इतने परेशान हो गए थे कि ना मैं कि कई लोग तो लौट लौट के लखनपुर से घूम के, जो यानी कि लगभग 1 किलोमीटर उल्टा पड़ता है तो उल्टा घूम के गए हैं, कुछ महिलाओं ने अपनी सलवार ऊपर उठा के जूते हाथ में लेके गए हैं, मतलब बहुत परेशानी जिसे कहना चाहिए।
और इसके अलावा बरसात नहीं भी तो आप अभी भी देख के आएंगे तो अभी भी गंदा पानी जो है उसमें रिस्क के सड़क पर बह रहा है, सड़क वो गीली मिलेगी आपको। मतलब हमारा मानना है कि उसमें आदमी अंदर के बस अड्डे अंदर के इसमें जो पैसेंजर इनके जो स्टाफ वगैरह वो पेशाब भी कर रहा हो सकता है या गंदगी कर रहा होगा, वो पानी बह के सड़क पर आ रहा है। महिला या हम लोग या किसी बच्चे लोग स्कूल को सुबह नहा धो के जा रहे हैं, पंडित जी यहाँ से मंदिर के अब निकल रहे हैं अपने, तो छींटे उस तरफ को आने खतरा रह रहा है और हर व्यक्ति आके परेशान है और हमसे इस जगह पर टोकता है कि मेंबर साहब इसको आप देखो आप इसको समस्या। अब समस्या ये वाली आती है कि हम इनसे कहने के लिए जा रहे हैं तो ये सुनने को तैयार नहीं है। विधायक जी उनकी टीम अंदर बस अड्डे के अंदर निरीक्षण करने के लिए आती है और वो लोग कहते हैं कि हम बस पोर्ट का निर्माण करवा रहे हैं और बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं इसलिए देखने के लिए आते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो देखने के लिए नहीं आ रहे, माल लेने के लिए आ रहे हैं। साथ साथ तो मैं कहूँगा माल लेने के इसलिए क्योंकि वो जनता को नहीं देख रहे हैं अपनी, जिस जनता इस सड़क से निकल रही है उस जनता को देख नहीं रहे हैं, उस जनता की समस्या को नहीं देख रहे हैं। अब हमारी परेशानी ये आती है कि हम कहें किससे, अधिकारी स्तर के लोग वो अपना हाथ झाड़ना चाह रहे हैं, बस अड्डे वाले अपना हाथ झाड़ना चाह रहे हैं, बीजेपी के नेता दिल्ली का तो पानी दिखा रहे हैं लगातार, दिल्ली का पानी देखो, दिल्ली का पानी देखो, केजरीवाल की पानी देखो, अपने घर के बगल में जहाँ पे इनके नेता रहते हैं इनके बगल में पानी बह रहा है, लोग परेशान हैं, ये उसको नहीं देख रहे हैं। आखिर क्यों नहीं देख रहे हैं, सवाल हमारा यही उठता है इस पर कहने के लिए। इसलिए हमारा आरोप ये है कि आपने ज़रूर इसके अंदर धांधलेबाजी करी है तभी आप इससे अपनी नज़र फेर रहे हैं और ये जनता आपको इसका जवाब देगी। यही जनता थी जिन्होंने इनको विधायक जी को वोट देकर चुनाव जिताया था और यही जनता आज महिलाएं आपने देखा गाली बक्के महिलाएं जा रही हैं यहाँ से, बच्चे गाली बक्के यहाँ से जाते हैं, इनको इसका जवाब मिलेगा और 2022 में ये बहुत ही इनके कलंकित साबित होगा, मेरा ये मानना है इस चीज़ के लिए। तो आपने सुना कि पूर्व सभासद का कहना है कि उन्होंने एक स्पष्ट तौर पर आरोप भी लगाया है कि रोडवेज में भराने के नाम पर अधिकारियों ने जहां एक और घोटाला किया है तो वहीं उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि आते हैं और रोडवेज के अंदर तक आकर उसका निरीक्षण के नाम पर औपचारिकताएँ पूरी कर रहे हैं, लेकिन जनता जो उसके अगल बगल रह रही है उसकी समस्याओं को सुनने की आज तक उन्होंने जहमत नहीं उठाई है। उन्होंने क्षेत्र के इलाकों की समस्याओं का समर्थन करते हुए कहा है कि कई बार अधिकारियों से उनके द्वारा बातचीत भी की गई है लेकिन अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए नजर आए हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि 2022 का जो चुनाव होगा तो इलाके के लोग इस चुनाव में जनप्रतिनिधियों को जो मौजूद जनप्रतिनिधि हैं उनको इसका जवाब देंगे और जनप्रतिनिधियों को जनता का आक्रोश का सामना भी कर पड़ सकता है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।